लोग अपना एक्सपीरियंस से खुद सोच के देखिए कि पुलिस वाले तो 100 रुपए के नोट से भी संतुष्ट हो जाते हैं अगर आप चुपके से पकड़ाते हैं तो। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो मुंबई में मुंबई पुलिस के लिए पार्टियाँ, अवार्ड शोज, बड़े बड़े फंक्शन रखे जाते हैं, ऑनर्स दिए जाते हैं, इतनी चापलूसी की जाती है, इतने बड़े बड़े नामों से बुलाया जाता है, तमाम चीज़ें। और सरकार के लिए भी कई बार किया गया है, बड़े बड़े फंक्शनों में सरकारें गई हैं, सरकार के मतलब सीएम्स गए हैं। तो अगर ऐसा होता है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बॉलीवुड ने एक पूरा अपना इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है कि हम, या हम मतलब जो भी उनके इंडस्ट्री के किसी ग्रुप का कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर दे या प्लान से वो लोग किसी क्राइम को अंजाम दे दें तो उनका जो पूरा इन्वायरमेंट है बचाने में लग जाए और कभी बात महाराष्ट्र से आगे जाए ही ना। तो आप ये समझिए, इस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर जितना ही देर होगा, 1.5 महीना बहुत होता है देर होने के लिए, अगर अभी भी और देर होगी तो कुछ भी अगर बचा है ना तो आप खो देंगे जांच का नतीजा। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगी लेकिन बहुत कुछ टेक्निकलिटीज़ में बात करना चाहता हूँ। बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे और जो लोग रिलेट करेंगे मैं चाहता हूँ शेयर करें, और अगर मुंबई पुलिस से कुछ देख कोई देख रहा है तो बिल्कुल वो देखे और आपस में एक दूसरे पुलिस वाले के साथ जरूर बांटे अगर लैंग्वेज समझ में आ रही हो तो। अभी तक लगभग हर मीडिया हाउस ने, स्पेसिफिकली रिपब्लिक ने, मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया कि सुशांत सिंह राजपूत की जाँच CBI ही करे और मुंबई पुलिस से ले लिया जाए। उसके कुछ बहुत कोर और ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे लॉजिकल रीजन हैं कि जिसके लिए आदमी बाध्य है कि मुंबई पुलिस से पल्ला छूट जाए कैसे भी। क्योंकि मुंबई पुलिस, आप कभी देखते होंगे कि मुंबई पुलिस के लिए स्पेसिफिकली बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स उनके लिए डांस करते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस का फिल्म इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा लगाव कह सकते हैं और इतना ज़्यादा फैमिलियर रिलेशन कह सकते हैं, इतना ज़्यादा क्लोजनेस कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस बायसनेस दिखा सकती है। वैसे भी इसके साथ इतनी छेड़छाड़ हो चुकी है ऑलरेडी, इतना टैम्परिंग हो चुकी है ऑलरेडी, दो दो एम्बुलेंस देखी जा रही हैं, पुलिस वालों की ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं, लोग अंदर से वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की तो पूछताछ ही नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर क्राइम सीन पर ऐसे ही जाने दे दिया गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। आपको कभी रिपब्लिक देखिए अच्छे से सुनिए तो बहुत सारे लोग खुल सब कुछ खुल के बोल रहे हैं। तो ऐसा एक रीज़न नहीं है कि मुंबई पुलिस से जांच हटे और CBI के पास जाए। दूसरा रीज़न ये कि मुंबई पुलिस एक स्टेट की पुलिस है, बिहार पुलिस एक स्टेट की पुलिस है, CBI एक सेंट्रल एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उसके पास जाएगी तो वो किसी स्टेट के दायरे में किसी एक लोगों के किसी के इन्फ्लुएंस में वो काम नहीं करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिल्म स्टार्स के और जितने भी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं इन सबके आपस में बहुत रिलेशन है और मुंबई पुलिस को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। तो अगर बात सेंटर में जाती तो सेंटर में महाराष्ट्र की थॉट प्रोसेस की सरकार नहीं है, सेंटर में भाजपा है और भाजपा के 90% से ज़्यादा लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, मतलब 90% से ज़्यादा मेरा मतलब है कि सारे बड़े लोग, बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं और बात होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है और सबकी ये डिमांड है कि CBI जांच कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो जो लोग चाहते हैं कि जांच हो तो वो तो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, वो कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन जो सरकार जिसका होम मिनिस्टर बार बार कह रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं देने की, मुंबई पुलिस देख लेगी, वो नहीं देख पाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि 80% मुंबई पुलिस वाले चाहते हैं कि जांच CBI करें, तो ये जो 20% हैं ये कौन है जो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत कुछ टैम्पर कर चुके हैं, बहुत कुछ नुकसान कर चुके होंगे जो नहीं चाहते हैं। वैसे भी अगर हम मर्डर के डायरेक्शन में जाएं तो ऑलरेडी इतनी लेट हो चुकी है, 1 महीने ज़्यादा हो रहा है, 1.5 महीने ज़्यादा हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हट चुकी होंगी और जो ग्रुप इन्वॉल्व था इस मर्डर में उसने अपनी AD से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया होगा कि कोई सबूत ना बचा रह जाए। और जैसा मैंने आपको बताया पुलिस चट्टी बट्टी है पूरी, तो पुलिस को बोल के कुछ काम करवा देना, किसी एक को थोड़ा बहुत पैसा दे के काम करवा देना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर ऐसा है तो पुलिस पर भरोसा किया नहीं जा सकता। मैं पूरी मुंबई पुलिस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बस मैं एक अनबायस जांच की डिमांड कर रहा हूँ। और अगर स्टेट अपना हाथ हटा ले और कह दे कि ठीक है सेंटर अपने हाथ में ले सकती मुद्दा तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी पूरा देश चाहता है ऐसा हो। तो आप अपने किसी पर्टिकुलर एजेंडे के लिए कि जस्ट बिकॉज, और किसी की जान गई है
और महाराष्ट्र के लिए एक बात बहुत फेमस है कि वो लोग बाहर वालों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिमाग में सबके हैं कि एक तो बिहारी है, दूसरा सबका इन्फ्लुएंस है, तीसरा बॉलीवुड और मुंबई पुलिस का आपको रिश्ता पता ही है, चौथा जितने ये पॉलिटिशियंस और जो आदित्य ठाकरे है उसका भी बॉलीवुड से बहुत अच्छा संबंध है। तो सुशांत की डेथ का कंक्लूजन निकालना बिल्कुल वही है कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढना। तो इतने भूसे के ढेर में से आप सुई नहीं ढूंढ सकते, कोई ना कोई इधर उधर कुछ ना कुछ कर चुका होगा। अभी भी अगर सही समय पर सीबीआई का ऑर्डर नहीं लाते आप लोग तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आप एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, डिमांड को बहुत से ज़्यादा बहुत तेज़ी से उठा लिए। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। एक चीज़ और मैं ऐड करना भूल गया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक लिस्ट निकाली है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये प्रूव होता है कि मर्डर के कितने चांसेस हैं और सुसाइड के कितने चांसेस हैं। तो जिस तरीके से उसमें टिक लगा हुआ है आप साइड में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ पा रहा तो मैं बता दूं कि मैक्सिमम मैक्सिमम एक ही दो बस टिक लगे हैं सुसाइड वाले में, बाकी सारी चीज़ें वही इंडिकेट करते हैं कि मर्डर हुआ था। और स्वामी जी ने भी यही कहा है कि क्यों लगता है उनको कि मर्डर हुआ था। तो इस बात पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। और अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर जनता बहुत बड़े स्केल पर डिमांड करेगी, क्योंकि सरकार को भी प्रेशर का इंतजार होता है, जनता की तरफ से प्रेशर आता है तो काम होता है, और काम बिल्कुल होगा। बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं हम लोग, और एक बार अच्छे से कड़े शब्दों में बिल्कुल मांग के देखिए, सीबीआई की जांच हो के रहेगी। इस मुद्दे को दबने मत दीजिए, वरना ऐसे ही बहुत लोगों के साथ हुआ है, जिया के साथ भी ऐसे हुआ था, सुशांत की जो मैनेजर दिशा उसके साथ भी ऐसा हुआ है, और सबके किस्से खुलेंगे धीरे धीरे, सबके किस्से खुलेंगे और बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। बस आप पे है कि आप पीछे मत हटिए। और जाते जाते एक छोटा सा पॉइंट, वो जो भूत वाला आदमी था वो फेक है, वो 110% फेक है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी के साथ वो खेल रहा है। इस वीडियो में मैं ज़बरदस्ती ऐड कर रहा हूँ, अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो मुझे कमेंट में बताया कि उसने ये पार्ट देखा, वो उसने ज़बरदस्ती सारे पॉइंट्स फेक किए, उसने फर्जी की आवाज़ें निकाली, वो साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। आप देख सकते हैं उसकी किसी वीडियो पर इतने व्यूज़ नहीं हैं, 1-2 लाख भी क्रॉस नहीं किया, मैक्सिमम से 2 लाख गया होगा, 2 लाख के अंदर ही सारे हैं। सुशांत की सारी वीडियोज़ मिलियंस में गई हैं, वो समझ गया कि इसकी कितनी फेम है, कितनी नीड है मार्केट को, वो खेल रहा है। उस आवाज़ के आगे सबटाइटल अगर वो ना लगाता तो आपको समझ में नहीं आता, सबटाइटल लगा रहा है इसलिए आपको समझ में आ रहा है। तो आप समझिए, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला गया है, उसने कोई आत्मा नहीं बुलाई है, उसने बस व्यूज़ बटोरे हैं। खैर, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family.